और यहाँ पीछे आरएसएस का कार्यालय है समरपट, जो शाहिबाबाद में पड़ता है। यहाँ से इस लॉकडाउन के अंदर जितने भी भूखे यहाँ थे और आसपास के और लगभग गाज़ियाबाद और पास के 20,000 लोगों को यहाँ से खाना खिलाया गया। और आज जब कोरोना वायरस से जूझ रहे पीड़ितों को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ये कार्यालय सामने आया। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, सुबह 8 बजे से ही भीड़ लगी हुई है ब्लड डोनेशन के लिए। यहाँ पर बाकायदा चेकिंग हो रही है, जिसके बाद ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और यही आपको हम अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिला अस्पताल से मेडिकल टीम आई है और जो लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं और करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। उधर आप थोड़ा सा पीछे कैमरा करिए तो दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से मेडिकल टीम अपना काम कर रही है। और ये आरएसएस के द्वारा ये कैंप लगवाया गया है और उन लोगों के लिए, उन ज़रूरतमंदों के लिए है और उन पीड़ितों के लिए जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और उन्हें ब्लड की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये आरएसएस ने इंतज़ाम किया है, यहाँ पर कैंप लगाया है। और साथ में ही जो मेडिकल टीम है वो जिला अस्पताल से यहाँ पर आई हुई है। आप पीछे ये देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब से लॉकडाउन चला है तब से लोगों को खाना पहुँचाने के साथ साथ सूखा राशन भी पहुँचाया जा रहा है और लगभग 20,000 लोगों की मदद यहाँ से की जा रही है प्रतिदिन। और इसी के साथ आपको हम ये बता दें कि हमने भी यहाँ से कई बार लोग यहाँ से पीड़ित आए हैं या दिहाड़ी मजदूर हैं जो यहाँ पर फंस गए हैं और उसके बाद उन्होंने हमसे शिकायत की, हमने खुद यहाँ से उन लोगों की मदद के लिए मदद मांगी थी और यहाँ से हमें हेल्प मिली थी। जैसे कि हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से आरएसएस उन लोगों के लिए काम कर रही है, पहले भी आपको हमने झंडे वालान दिखाया था। और आज ये साहिबाबाद में कार्यालय है और यहाँ पर राजेंद्र नगर श्याम पार्क में हम खड़े हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। हमारे साथ है देवेंद्र जी जो वैशाली के संघ के बड़े अधिकारी हैं, उनसे हम जानेंगे कि कितने लोगों को प्रतिदिन यहाँ से भोजन पहुँचाया जा रहा है और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप क्यों लगाया है। देवेंद्र प्रताप, महानगर कारवा, वैशाली महानगर। सर, यहाँ पे जो यहाँ से राशन पहुँचाया जा रहा है लोगों में, वो खाना भी पहुँचाया जा रहा है यहाँ से, सूखा राशन और प्लस खाना, कितने लोगों को प्रतिदिन पहुँचाया जा रहा है, ये कब से लॉकडाउन में कब से चल रहा है? लॉकडाउन हुआ था 22 तारीख को घोषणा हुई है, 23 से लॉकडाउन हुआ था, तो 25 तारीख से हम लोगों ने रसोई चालू की थी अपना IME में और जो कंटिन्यूस आज तक वो लगातार चल रही है रसोई हमारी। और प्रतिदिन करीब हम 2500 से 3000 लोगों तक का भोजन बना करके हम वहाँ पे पहुँचाते हैं। हर नगरों से हमारी एक सूची आती है, वो सूची डिसाइडेड होती है, जैसे जाते हैं लोग, कार्यकर्ता वहाँ से बना के लाते हैं किसको आवश्यकता है, मजदूर, गरीब, जो भी हैं, रिक्शा वाले, रेडी वाले, इन सब के पास जाते हैं, उनकी पूरी एक सूची बनती है। सूची बनाने के बाद हम लोग उन तक पहुँचाते हैं, हमारे कार्यकर्ता ले जा करके उनके घरों तक पहुँचाते हैं और प्रतिदिन 2500 से 3000 के बीच में। ये ब्लड डोनेशन जो कैंप लगवाया आपने, आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? हम लोगों ने देखा कि जैसे ये जो बीमारी चल रही है COVID-19, इसको लेकर के ब्लड की भी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने देखा है, इसके लिए तो नहीं लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि मैं हम लोगों ने देखा भी था, डॉक्टर से भी बातचीत हुई थी कि ब्लड बैंक में इतना सारा ब्लड नहीं था जो कि हो सकता है फ्यूचर में काम ज़रूरत पड़ जाए, ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। तो संघ के कार्यकर्ताओं ने किया कि किसी चीज़ पर हम आगे क्या होने वाला है उस समय हम ना डिपेंड रहे उस पर, हम लोगों ने पहले प्लान किया कि पहले हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे और कोई भी, चाहे हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई भी है, ऐसे जो भी संस्थाएं ब्लड बैंक हैं हमारे, उन सब में ब्लड पर्याप्त मात्रा में रहे कि जब भी किसी समाज के किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़े तो तुरंत प्रचुर मात्रा में उसको खून मिल सके। जी, ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो संघ के ही कार्यकर्ता हैं या आम नागरिक हैं? जी, वैसे तो संघ के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो भी समाज के भी लोग हैं, उनमें कुछ समाज के लोग भी आए हैं, लेकिन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं संघ के कार्यकर्ता हैं, सारे संघ के कार्यकर्ता। बल्कि हमने जैसे जो हमारा प्लान था वो 140 किट लेके आए थे डॉक्टर्स लोग और 140 यूनिट ब्लड देना था, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा हो गई, 200 की डिमांड, फॉर्म भर के लोग हैं, अब उनको मना किया जा रहा है कि नेक्स्ट डेट दी जाएगी उसमें आप लोगों का ब्लड लिया जाएगा, तो बहुत लोग आगे आ रहे हैं इसके लिए। ये आज सुबह से कितने बजे से चल रहा है? आज सुबह यहाँ पे 9 बजे से प्रारंभ हुआ है, 5 बजे तक चलेगा ये डोनेशन कैंप। लगभग आपको कितना आंकड़ा लग रहा है कि कितने लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसमें 190 तक का, लेकिन जो हम लोगों की आज की जो स्थिति है, हम 125 से 130 लोगों का ही ब्लड ले पाएंगे जी। इसके बाद कोई दूसरी डेट पर निश्चित करेंगे, रविवार में कोई और, तो जो कार्यकर्ता बच रहे हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो दोबारा उस दिन कैंप लगेगा, लगातार चलता रहेगा। कितने लोगों तक सूखा राशन और प्लस खाना पहुँचाया जाता? जो हमारा एक्चुअली जो गाज़ियाबाद की रचना है संघ की दृष्टि से,
वो गाजियाबाद में एक जिला और 3 महानगर हैं, तो इसमें हमने 14 केंद्र बनाए हुए हैं। उस 14 केंद्र में करीब 20,000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन पैकेट जाते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जो कच्चा राशन है 10 किलो का हमारा एक किट है, उस 10 किलो का जो किट है वो प्रतिदिन 500-550-600 परिवारों में प्रतिदिन हम लोग उसको भी भेज रहे हैं कि जिनको सूखे अनाज की आवश्यकता है उनको सूखा अनाज, और जो लोग जिनको सूखा अनाज नहीं हो सकता, जिनके यहाँ खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए जो हम लोग पूरे जो मैं 20,000 की जो बात कर रहा हूँ वो जो गाजियाबाद विभाग बोलते हैं हम संघ की दृष्टि से उसमें, और जो वैशाली महानगर हमारा है इसमें करीब 5 से 6 हज़ार लोगों का भोजन पैकेट बन के जाता है और उनको भोजन दिया जाता है। और दूसरी बात और भी है, यहाँ पर हमने पहले भी कॉल करके और जो यहाँ आसपास में दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए थे उनके लिए भी हमने यहाँ से मदद ली है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जो यहाँ पर आसपास के लोग हैं उनकी मदद कैसे की जा रही है, क्या वो यहाँ से आकर ले जा रही है उनको घर पर पहुँचाया जा रहा है? नहीं, हम लोग हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जाते हैं, जा करके पूरी सूची, जैसे कॉलोनी में रह रहे हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, कोई कहीं पर भी रह रहा है, तो हम जा करके उनकी सूची में उनका नाम, फ़ोन नंबर, उनका पता, जहाँ पे भी रहते हैं, एक सूची बन जाती है। जैसे एक नगर से सूची बन गई कि यहाँ पे 300 परिवारों को भोजन देना है, तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ से जहाँ जो हमारी रसोई आईएमई में है वहाँ से उस नगर के लिए 300 पैकेट भोजन ले जा करके उनके घरों में पहुँचाते हैं। इसमें आपको कोई खतरा नहीं लगता कि जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं या कोई संक्रमित है, क्योंकि यहाँ तक कि डॉक्टर भी संक्रमित हो गए हैं? खतरा तो है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सब मास्क हो, ग्लव्स पहने हों, सैनिटाइज करा के ले जाते हैं सारी चीज़ें, जो जिस भी गाड़ी में जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ देते हैं पहले उनका हाथ सैनिटाइज कराते हैं, उनको इस तरह से व्यवस्था बनाई जाती है। और कोशिश किया जाता है कि जैसे कोई एरिया सील है तो वहाँ जाने से तो थोड़ा सा बचा जाता है, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं उनके तक तो भोजन पहुँचाना पड़ता है, खतरा है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह जितने सुरक्षा के मापदंड हैं उसको हम लोग अपनाते हुए ये सारा कार्य कर रहे हैं कि संक्रमण ना हो किसी तरह से। सर, कोई मेडिकल हेल्प भी लोगों को पहुंचाई जा रही है? जी जी, जैसे हम लोग जाते हैं बहुत सारे परिवारों में ऐसे पता लगता है कि किसी को नॉर्मल खांसी है, बुखार है, किसी को सरदर्द है, किसी को कुछ है, तो हम लोग मेडिसिन भी देते हैं। हम लोग उनको जो भी जो नॉर्मल दवाएं हैं, इस तरह की दवाइयां जो भी होती हैं इस तरह से उनको, या जिनकी कोई दवा चल रही है उनकी दवा ख़त्म हो गई है जो गवर्नमेंट ने किसी हॉस्पिटल ने लिखा, किसी डॉक्टर ने लिखा, तो उन सब दवाओं का भी प्रबंध हम लोग करके, उनके पास पैसे नहीं है तो संघ इसके लिए भी अपनी योजना के हिसाब से उनको पैसे ना दे करके उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करता, उनकी पर्ची ले लेते हैं, जो भी होता है उनको हम लोग दवाई प्रोवाइड कराते हैं इस तरह से। तो ये संघ के कार्यकर्ता ही सब कुछ करते हैं या फिर कहीं और से भी फंडिंग यहाँ पर आती है, गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है? नहीं, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती, हम गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेते भी नहीं है, संघ के कार्यकर्ता तो करते ही हैं, लेकिन समाज के लोग बहुत मात्रा में आगे आ रहे हैं, समाज के लोगों का बहुत योगदान है। ये जितनी चीज़ें आप अभी बात हो रही थी आपसे सब समाज के लोग कर रहे हैं, समाज के लोगों का, संघ के कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के लोग बहुत आगे आ रहे हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत हो रही है वो हमें बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही आगे आगे कि आपको चावल चाहिए, आपको आटा चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपको दाल चाहिए या तेल चाहिए, जो भी चीज़ की आवश्यकता है वो लोग आकर के सब चीज़ों के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं, हम लोग को बोलना नहीं पड़ रहा, खुद आगे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ के कार्यकर्ता जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और समाज के जो लोग हैं आगे आके बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ब्लड डोनेशन हो या फिर रोगों को राशन पहुँचाना हो, यहाँ की जो समाज है और प्लस आरएसएस के कार्यकर्ता दिन रात इसमें लगे हुए हैं, और जैसे कि सर ने कहा कि इसमें खतरा होता है लेकिन हम उस जो सावधानी है उसको ध्यान में रखते हुए दिन रात लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं।